सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं दिखाने वाला हूं पाबी पुश्ता चौराहे से लेकर और मंडोला गांव तक के कितना कुछ वर्क हो चुका है इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर। तो चलिए ना देर करते हुए और आपको दिखाते हैं और बताते हैं दोस्तों। तो आपको बता दूं कि देख सकते हैं दोनों साइड में अभी ड्रेनेज सिस्टम बना दिया जा चुका है और इसको रोड को एक्सटेंड करने का काम चल रहा है। अभी देख सकते हैं रोड एक्सपेंशन का काम चल रहा है दोनों साइड में, यानी कि चौड़ा किया जा रहा है। और अभी बीच में इस पे सेफ्टी बोर्ड नहीं लगाए गए, क्योंकि सेफ्टी बोर्ड लगाए जाएंगे फिर इसके बाद में पाइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे अभी पाइलिंग चल रहा है और पिलर भी बना दिए जा चुके हैं, उनका स्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया जा चुका है और उन पे फाउंडेशन का काम भी चल रहा है अभी। तो आगे सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसा लगता है। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों के बीच में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं अभी ये जैसे हम पाबी पुश्ता से निकले हैं चौराहे से, और वैसे ही देख सकते हैं ये कहीं कहीं ड्रेनेज सिस्टम बना लिया जा चुका है और कहीं कहीं ये रोड के एक्सपेंशन का काम चल रहा है, यानी कि रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है। और धूल मिट्टी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। क्रेने मशीन देखने के लिए मिलेंगे, बहुत हैवी हैवी, और आपको पायल मशीन देखने के लिए मिलेगी। तो अभी यही वर्क चल रहा है लेकिन चल तेज़ी के साथ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये सेफ्टी बोर्ड लगा दिए जा चुके हैं, अब इन पर पायल होगा, पायल हो जाने के बाद में इन पर फाउंडेशन बनाया जाएगा पिलर का, और फिर पिलर को ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाएगा, फिर उस पर रिंग लगाए जाएंगे स्ट्रक्चर में, और रिंग लग जाने के बाद फिर इसे कंक्रीट की मदद से पिलर को भर दिया जाएगा। तो यही वर्क चल रहा है अभी इस जगह, ये मंडोला बिहार तक अभी आप लोगों को ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये सेटिंग लगी हुई है। और आपको बता दूँ यहाँ का जो रोड है इन्होंने कंक्रीट डाल के बनाया है, तो इसमें गड्ढे गुड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा गड्ढे गुड्ढी हैं। रोड तो है ही नहीं बिल्कुल, ब्लैक टॉप तो है ही नहीं बिल्कुल भी, ये कंक्रीट की मदद से बनाया है, तो इस वजह से यहाँ पर गड्ढे गुड्ढी बहुत ज़्यादा हैं देख सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर स्लो डाउन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और देख सकते हैं ये है सामने पायल मशीन लगी हुई है, जो कि नीचे ज़मीन में पायल किया जा रहा है, यानी कि कितने, चार, चार और दो छः, यानी कि छः पिलर ज़मीन के नीचे बनाए जाते हैं, फिर उसके ऊपर ग्राउंड लेवल पे फिर इसका एक पिलर खड़ा किया जाता है ऊपर, तब जाके ये इतनी मजबूती के साथ में एक पिलर बनाया जाता है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप लोग कि कितनी मजबूती के साथ में पिलर बनाया जाता है, कोई लापरवाही नहीं हो सकती। और ये NHAI द्वारा ये इस हाईवे को बनाया जा रहा है दोस्तों, एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि ऐसे ही यही वर्क आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। दूसरी पायल मशीन ये है जो कि ये पायल कर रही है, नीचे ज़मीन में रिंग डाले जाते हैं, छः रिंग डालने के जाने के बाद में फिर मिट्टी की खुदाई की जाती है, मिट्टी की खुदाई कर देने के बाद में फिर वो पिलर को तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद में सरिया निकाला जाता है, सरिया निकालने के बाद में फिर इस पर फाउंडेशन बिछाया जाता है, यानी कि फाउंडेशन बनाया जाता है, फिर उसके बाद में सरियों की मदद से इस ऊपर पिलर का जाल बिछा दिया जाता है गोल 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 या चौखूटा देख सकते हैं। बस यही वर्क चल रहा है यहाँ पे अभी तेज़ी के साथ। उम्र आपको बता दूँ कि आगे वीडियोस और आने वाले हैं, आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे भी कि तेज़ी के साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तेज़ी के साथ में यहाँ पर पिलर बनाए जा रहे हैं और पिलर कैप का काम किया जा रहा है तेज़ी के साथ में दोस्तों। तो आगे वीडियोज़ में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर, केपी संत लाता रहता है NCR में जहाँ पर भी
एनसीआर से रिलेटेड ये वीडियोस आते रहते हैं, जहाँ भी वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे रिसेंटली में, वो सब आप लोगों को वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं केपी संत के चैनल पर। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। देख सकते हैं अभी ये पायली किया जा रहा है और कहीं कहीं फाउंडेशन बनाया जा रहा है ऊपर पिलर को खड़ा करने के लिए। तो अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से यह फाउंडेशन बनाया जाता है, तो आप लोग आगे देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहता हूँ और आप लोगों को इंटरटेन करता रहता हूँ। दोस्तों जहाँ पर भी वर्क चल रहा है इस टाइम पे, क्या क्या वर्क चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सब कुछ आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा। अक्षरधाम से लेकर और खजूरी पुस्ता और ये आपका मंत्र पुस्ता है, ये पाबी पुस्ता, उधर का भी मैंने आप लोगों को दिखाया कि क्या क्या वर्क चल रहा है, वो आप लोग पीछे वीडियोस में देखो जाकर, नहीं देखा तो देख लेना, माय बटन में लिंक दे दूंगा, देख लेना जाकर आप लोग, तस्वीरें देख सकते हो आप लोग, क्योंकि ये फाउंडेशन ही बनाने का काम चल रहा है अभी इस टाइम पर। तो कोई दिखाते हैं, ये अगर मिल जाता है खाली तो आप लोगों को दिखाएंगे अभी और बताएंगे, कभी आने वाले हैं क्योंकि यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ये फाउंडेशन बना कर फिर पिलर को ऊपर खड़ा किया जाएगा, फिर उसमें रिंग लगाई जाएंगे, रिंग लग जाने के बाद में इसे कंक्रीट की मदद से भर दिया जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे में पायल हो चुका है, जैसे कि पिलर का ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है ना, सरियों का जाल, इसी तरीके से ये फाउंडेशन बना दिया गया नीचे का। तभी फाउंडेशन बन जाने के बाद में तभी ये पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं सरियों का जाल, देख सकते हैं अपनी आँखों से। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये बनाया जाता है फाउंडेशन। तो ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहता हूँ और आप लेखों को इंटरटेन करता रहता हूँ। दोस्तों कहाँ कितना वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे, और ये सन 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा, सन 2023 के लास्ट तक ये कंप्लीट कर लिया जाएगा एक्सप्रेसवे। और आपको बता दूँ जब हम ये ईस्टर्न पेरिफेरल को क्रॉस करेंगे तो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे उधर से आ जाता, क्योंकि वो सिक्स लेन का होने वाला है और ये ईस्टर्न पेरिफेरल से पहले ये 12 लेन का होने वाला है। 6 लेन का ये एलिवेटेड पार्ट है और 6 लेन की रोड है इसमें, तो 12 लेन हो गई ना। देखिए ये फाउंडेशन में पानी भर रहा है अभी, इस तरीके से देख सकते हैं ये फाउंडेशन बनाया जा रहा है, तस्वीरें देख सकते हैं ये फाउंडेशन बनाया जा रहा है। क्योंकि सरिया लगाए जाते हैं फाउंडेशन में ताकि ये नीचे खिसक ना जाए जब वजन की वजह से, इसीलिए बहुत मजबूती के साथ में इसका फाउंडेशन का काम किया जाता है। फिर इसमें पिलर का ये स्ट्रक्चर सरियों का जाल खड़ा किया जाता है ऊपर। अब इसमें रिंग लगाए जाने हैं और रिंग लग जाने के बाद इसमें कंक्रीट की मदद से इसको भर दिया जाएगा, फिर इन पर पिलर कैप का काम किया जाएगा और फिर इन पर गाटर लॉन्चिंग की जाएगी। गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में इस पर फ्लोरिंग किया जाएगा, फिर इनके बाद में ब्लैकटॉप किया जाएगा। तो बस यही वर्क है चल रहा है अभी इस टाइम तेज़ी के साथ में। दोस्तों देख सकते हैं कि रोड यहाँ की कितनी ख़राब है, वो देखो वीडियोस भी हिले जा रही है, क्योंकि ये फाउंडेशन अब देखो बना रहे हैं ये, जो नीचे ज़मीन के अंदर जो पिलर बिठाए जाते हैं उनको तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद में सरिया निकाला जाता है, सरिया निकालने के बाद में फिर इसमें फाउंडेशन बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी।